मुफ्त में लिंक की साइज बढ़ा। अभी आश्चर्य होगा आपको कि ऐसा कैसा हो सकता है, मुफ्त में क्या है भाई। तो घरेलू उपचार में आपको बता रहा हूँ ये लिंग की साइज बढ़ाने का, लंबा करने का। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत लोग ऑब्सेस्ड है लिंग की लंबाई बढ़ाना है, लिंग की लंबाई बढ़ाना है। जैसा कि मैंने बताया कि एवरेज में 5.1 से 5.4 इंच की लंबाई होती है इरेक्शन होने के बाद में, और लोगों के एवरेज में 2 से 2.5 इंच बिना इरेक्शन का, मतलब लूज जब रहता है तब होती है। लोग लड़के नहीं नहीं बहुत लंबी होना चाहिए, साइज लंबा होना चाहिए, क्योंकि वो पॉर्न वीडियो में देखते रहते हैं कि 7 इंच है, 9 इंच है, 11 इंच है, अपने भी इतनी बड़ी होना चाहिए, और इसलिए लोग तरसते रहते हैं और घूमते रहते हैं, दवाई लेते रहते हैं। मैं भी बताऊंगा कि इसको लंबाई करना है तो कोई जरूरत नहीं है दवाई की, घर में बैठे बैठे आप कैसे कर सकते हो। कोई दवाई नहीं, कोई हर्ब नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कुछ नहीं करना है। तो क्या करना होगा, नंबर एक, आपका वजन कम करो। क्या होता है कि लिंग के ऊपर के बाजू में फैट बहुत जमा हो जाता है, बहुत ही फैट टिश्यू वहां जमा होता है। उसमें होता क्या है कि लिंग उसमें पूरा अंदर दब जाता है और आपको लगता है कि अपना लिंग छोटा है। तो जो जो मोटे लोग हैं जिनका बहुत फैट पेट के ऊपर है, पेल्विक एरिया में है, लिंग के ऊपर जो अम्बिलिकस है उसके नीचे है, तो ऐसे एरिया का फैट कम करना जरूरी है। उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज करो और आपका फैट कम करो, क्योंकि इरेक्टाइल टिश्यू जो है, पेनिस का टिश्यू जो है, मतलब समझो ऐसा ये है, अब ये ऐसा अंदर घुसा हुआ है, ये देखिए ये समझो ऐसा अंदर घुसा हुआ है पूरा। अभी इरेक्शन, ये इरेक्शन हुआ है या पेनिस जो भी है वो है, मगर यदि अंदर फैट में अंदर दबा हुआ है तो देखेंगे छोटा। जैसा समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा सैंड है, रेत, और उसके ऊपर समझो आपने एक लकड़ी जो है उसमें खुपस दिया, और लकड़ी के आसपास में सब पूरी जो रेत है वो जमा करके रख दिया। अब क्या होगा, लकड़ी की लंबाई तो उतनी है मगर रेत जमा हो गई है, समझो ये ऐसी लकड़ी है और ये पूरी रेत जमा करके रखी है, दिखता इतनी है, तो मतलब दिख रही इतनी लकड़ी, लकड़ी इतनी है, लकड़ी तो पूरी इतनी है, वैसा ये फैट का होता है। तो फैट के अंदर वो इरेक्टाइल टिश्यू अंदर जब जाता है या पेनिस का भाग जाता है तो आपको छोटा लगता है, तो फैट कम करो, नंबर एक। नंबर दो, आपके जो पीबी खेर से उसको निकाल डालो, एक तो पूरा निकाल डालो पीबी खेर को, रेजर शेविंग करो या ट्रिम करो। उससे भी क्या होता है कि लंबाई दिखेंगी, जब बहुत ज़्यादा बाल वहाँ रहते तो लोगों को दिखता भी नहीं है कि लिंग कितना लंबा है, और उससे फिर एक सेंसेशन ये आता है या फीलिंग ऐसा है कि अपना छोटा है, तो फील गुड फीलिंग आ जाएगा, लिंग आपको बड़ा दिखेगा। तीसरा पॉइंट जो है वो है मैनेज योर एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंग्जाइटी तनाव टेंशन यदि रहा, होता क्या है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ब्रेन की है वो बहुत एक्शन में आती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पेनिस की जो मसल्स है, स्नायु जो है, पेनिस के स्नायु कौन से है, कॉर्पोरा कैवर्नोजा कॉर्पस स्पंजियोजम, कॉर्पोरा कैवर्नोजा दो रहते हैं, कॉर्पस स्पंजियोजम एक रहता है, ये स्नायु है, उसको वो स्क्वीज करते हैं, दबा देते हैं, वो स्पंज जैसा होता है, स्पंज जैसा अपन दबा देना है, ऐसा दबा दे छोटा हो जाए, उसको दबा देता है, दबा दिया है कि उसमें ब्लड फ्लो उसमें का निकल जाएगा या ब्लड फ्लो अंदर आएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए, वो यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली इरेक्शन में फर्क पड़ेगा। और उसके लिए फिर स्ट्रेस मैनेज करना है तो मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, हिप्नोसिस करो, उससे बहुत फायदा हो सकता है। नंबर चार, कंटिन्यू हैविंग इरेक्शंस, मतलब क्या है कि इरेक्शंस आने दो। क्या होता है कि मॉर्निंग इरेक्शंस नॉर्मल है, सपने में इरेक्शन आते रहते, मतलब नींद में कम से कम एक 8 घंटे की आप नींद लेते हैं तो वो 8 घंटे की नींद में 4 से 5 बार इरेक्शन स्पॉन्टेनियसली आते हैं। क्या होता है कि जब इरेक्शन होता है, ये क्या विशेष साइकिल है, इरेक्शन होता है तो इरेक्शन के समय बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो अंदर जाएगा और ब्लड फ्लो अंदर जाएगा तो क्या होगा, मसल्स मतलब मसल स्ट्रेच हो जाएगी, उसको ऑक्सीजन मिलेगा। तो ब्लड फ्लो अंदर जाना, ऑक्सीजन मिलना मसल्स के लिए अच्छा है। तो यदि आपका बार 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 इरेक्शन होता है तो क्या होता है कि मसल्स सर एक्शन में है, मसल्स को ब्लड मिल रहा है, मसल्स को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे मसल्स की जो इलास्टिसिटी वो कायम रहेगी। ऐसा पाया गया है कि जो लोगों का इरेक्शन कम होता है उनके पेनाइल मसल्स जो है उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, फाइब्रोसिस होता है और बाद में इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है। तो आपको स्पॉन्टेनियस इरेक्शन आना जरूरी है। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जो लोगों की रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी किया, मतलब प्रोस्टेट रिमूव कर दिया, कैंसर हुआ, प्रोस्टेट रिमूव कर दिया,
तो उनका जो पेनाइल लेंथ है वो कम से कम आधे सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर कम हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट निकालने के बाद में क्या हो गया कि वहां नर्व डैमेज हो गई, नर्व डैमेज हो गई, स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस कम हो गए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ गया, और उसके वजह से फिर क्या हो गया, पेनिस धीरे 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 कम होने लगा, लंबाई कम होने लगी, आकार कम होने लगा। तो ये पक्का पाया गया है कि आपका स्पॉन्टेनियस इरेक्शन होता है तो उसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी मेंटेन होगी। इलास्टिसिटी मेंटेन हो जाती है क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो आप जितनी एक्सरसाइज, जैसे अपन एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहते हैं एक्सरसाइज करके, और फिट रहते हैं तो अच्छा लगता है, फिर और एक्सरसाइज करेंगे, तो वैसे ही पेनिस का है, पेनिस की एक्सरसाइज है इरेक्शन, और वो इरेक्शन उसको लाते हैं स्पॉन्टेनियसली, तो अच्छा है, उससे बहुत लंबे समय तक आप सेक्स कर पाओगे। तो नंबर 4 जो है कि कंटिन्यू हैविंग इरेक्शन, ये बहुत जरूरी है। ये 4 पॉइंट यदि आप पालन करते तो डेफिनेटली आपके इरेक्शन के ऊपर उसका फायदा होगा। नंबर 1 मैंने बताया कि वेट कम करो, नंबर 2 प्यूबिक हेयर्स निकालो, नंबर 3 एंग्जाइटी मैनेज करो, नंबर 4 इरेक्शंस बीच बीच में नॉर्मली स्पॉन्टेनियसली आने दो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।